हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके साथ आशु धींगड़ा और आज हम करेंगे मैक्सिमिन और मिनीमैक्स प्रिंसिपल। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, सॉल्व द गेम बाय द मैक्सिमिन और मिनीमैक्स प्रिंसिपल वेयर ए इज अ मैक्सिमाइजिंग प्लेयर और बी इज मिनिमाइजिंग प्लेयर। नीचे आपको टेबल भी गिवन है कि प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रेटेजीज हैं और प्लेयर बी के बाद पास 2 स्ट्रेटेजीज हैं। तो ये लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आज हम समझेंगे मैक्सिमिन और मिनीमैक्स प्रिंसिपल का पहले कॉन्सेप्ट, क्योंकि किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम यही समझते हैं कि मैक्सिमिन और मिनीमैक्स प्रिंसिपल बना कैसे है। उससे पहले हम देखेंगे कि मैक्सिमाइजिंग प्लेयर और मिनिमाइजिंग प्लेयर क्या होता है। मैक्सिमाइजिंग प्लेयर वो प्लेयर होता है जिसके अकॉर्डिंग टेबल में पे ऑफ गिवन होता है, सारी वैल्यूज़ गिवन होती हैं। यहाँ पर मैक्सिमाइजिंग प्लेयर ए है, तो मींस ये जो सारी टेबल में वैल्यूज़ गिवन हैं वो प्लेयर ए के अकॉर्डिंग गिवन है। कि अगर कोई भी ये दोनों गेम खेल रहे हैं, अगर ए जो प्लेयर है वो A1 स्ट्रेटेजी चूज़ करता है, बी प्लेयर B1 स्ट्रेटेजी चूज़ करता है, तो इससे प्लेयर ए 9 पॉइंट गेन करेगा। तो जितने पॉइंट ये गेन करेगा मीन्स सामने वाला प्लेयर उतने पॉइंट ही लूज़ कर रहा है, तो इसी कारण प्लेयर बी को मिनिमाइजिंग प्लेयर बोला गया है। अब हम समझते हैं कि मैक्सिमिन और मिनीमैक्स प्रिंसिपल कैसे बना। तो जो जब भी हम कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि जो मैक्सिमाइजिंग प्लेयर होता है वो मैक्सिमिन प्रिंसिपल यूज़ करता है और जो मिनिमाइजिंग प्लेयर होता है वो मिनीमैक्स प्रिंसिपल यूज़ करता है। और जो जैसे मैक्सिमिन प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं तो पीछे से हमेशा देखा जाता है, पीछे क्या है, मिन, आगे है मैक्सी। तो पहले मैक्सिमाइजिंग प्लेयर जब मैक्सिमिन प्रिंसिपल यूज़ करेगा वो पहले मिनिमम वैल्यू चूज़ करेगा, उन मिनिमम वैल्यूज़ में से वो मैक्सिमम वैल्यू चूज़ करेगा। तो देखते हैं अब ये प्रिंसिपल बना कैसे। देखिए, अगर प्लेयर ए को पहले टर्न दी जाती है गेम में खेलने के लिए, तो प्लेयर ए अगर A1 स्ट्रेटेजी चूज़ करता है तो प्लेयर बी B2 स्ट्रेटेजी चूज़ करेगा, क्योंकि उसके पास 2 स्ट्रेटेजीज हैं, या तो वो B1 चूज़ कर सकता है या तो वो B2। लेकिन वो B2 क्यों करेगा, क्योंकि उसमें जो पॉइंट है वो कम है। ये पे ऑफ प्लेयर ए के अकॉर्डिंग दिया गया है क्योंकि वो मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है, तो वो बी प्लेयर उसको कम से कम पॉइंट देना चाहेगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिले और वो गेम को जीत सके। इसी कारण वो B2 चूज़ करेगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट कम है, 2 पॉइंट्स। और अगर प्लेयर ए A2 स्ट्रेटेजी चूज़ करता है फिर भी प्लेयर बी B2 ही चूज़ करेगा क्योंकि उसमें पॉइंट कम है, 6 पॉइंट। और अगर प्लेयर ए A3 चूज़ करता है तब भी प्लेयर बी B2 ही चूज़ करेगा क्योंकि उसमें कम पॉइंट है, 4। तो इसी कारण जब मैक्सिमाइजिंग प्लेयर मैक्सिमिन अप्रोच यूज़ करता है तो सबसे पहले वो मिनिमम वैल्यू चूज़ करता है, हर रो में से वो मिनिमम वैल्यू चूज़ करेगा, क्योंकि मैक्सिमाइजिंग प्लेयर यहाँ पर रो प्लेयर है तो वो हर वैल्यू में से सबसे पहले मिनिमम वैल्यू चूज़ करता है हर रो में से। और जो उसके पास अब प्लेयर बी ने उसके लिए मिनिमम वैल्यू चूज़ की हैं उसमें से, तो वो प्लेयर ए यही चाहेगा कि उसको मैक्सिमम मिले क्योंकि ये पॉइंट उसके अकॉर्डिंग है। तो जो मिनिमम वैल्यूज चूज़ की जाती हैं उसमें से बाद में मैक्सिमम वैल्यू चूज़ की जाती है। तो ऐसे बना ये मैक्सिमिन प्रिंसिपल। सेम इसी तरीके से अगर प्लेयर बी को पहले टर्न दी जाए, जो कि यहाँ पर कॉलम प्लेयर है और मिनिमाइजिंग प्लेयर है, अगर प्लेयर बी को पहले टर्न दी जाती है तो प्लेयर बी अगर B1 स्ट्रेटेजी चूज़ करेगा तो प्लेयर A1 स्ट्रेटेजी चूज़ करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए पॉइंट ज़्यादा है, प्लेयर ए के लिए 9 पॉइंट, क्योंकि ये पे ऑफ उसके अकॉर्डिंग गिवन है। और अगर प्लेयर B2 स्ट्रेटेजी चूज़ करेगा तब प्लेयर ए जो है वो A2 स्ट्रेटेजी चूज़ करेगा क्योंकि उसमें पॉइंट ज़्यादा हैं, 2, 6 और 4 में से 6 सबसे ज़्यादा हैं। तो इसी कारण जब मिनिमाइजिंग प्लेयर मिनीमैक्स प्रिंसिपल यूज़ करता है, वही हम पीछे से देखते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू चूज़ की जाती है। जैसे मैंने आपको समझाया उसमें भी देखिए मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना दोनों कॉलम में से, 9 और 6। तो इसको आसान बनाने के लिए ये प्रिंसिपल ही बना दिया गया, लाइक एक फॉर्मूला ही बना दिया गया कि आप सबसे पहले जो मिनिमाइजिंग प्लेयर होगा वो मैक्सिमम वैल्यू चूज़ करेगा हर कॉलम में से, और उसमें से मिनिमम वैल्यू बाद में चूज़ की जाएगी, क्योंकि ए प्लेयर बाद में टर्न आई थी, ए प्लेयर के अकॉर्डिंग एंड पे आउटकम आया,
ए प्लेयर ने अपने लिए बेस्ट से बेस्ट चूज किया, मैक्सिमम चूज करना चाहा, लेकिन अब बी प्लेयर तो यही चाहेगा ना कि जो उसने ए प्लेयर ने अपने मैक्सिमम वैल्यूज चूज की हैं उसमें से उसको मिनिमम मिले। तो इसीलिए बाद में जो मैक्सिमम वैल्यूज चूज की जाती हैं उसमें से मिनिमम वैल्यू चूज की जाती है और वही होती है वैल्यू, हमारी वैल्यू ऑफ द गेम। अब चलते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने पर। अब आपको और अच्छे से जब आप न्यूमेरिकल करोगे और अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता है। तो देखिए सेम वही ए यहाँ पर मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है तो वो मैक्सिमिन प्रिंसिपल चूज करेगा। मीन्स हम पीछे से देखेंगे, सबसे पहले वो यहाँ पर रो प्लेयर है तो हर रो में से मिनिमम वैल्यू चूज करेगा। फर्स्ट रो में से मिनिमम वैल्यू है 2, सेकेंड रो में से मिनिमम वैल्यू है 6, थर्ड रो में से मिनिमम वैल्यू है 4। अब हम जाएंगे मैक्सिमम चूज करेंगे इन मिनिमम वैल्यूज में से, तो मिनिमम इनमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6। अब हम चलते हैं कॉलम वाली साइड, तो वो वहां पर क्या है, बी है मिनिमाइजिंग प्लेयर तो वो मिनी मैक्स प्रिंसिपल चूज करेगा। मतलब हम पीछे से देखेंगे, पहले मैक्सिमम वैल्यू चूज करेंगे तो हर, तो फर्स्ट कॉलम में देखिए मैक्सिमम वैल्यू है 9, सेकेंड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 6। अब इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू चूज की जाएगी तो वो क्या है 6। दोनों जगह देखिए सेम ही वैल्यू आई 6 और 6, तो यही हमारी है वैल्यू ऑफ द गेम। आई होप आपको अच्छे से दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसका कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी वीडियोज़ देख सकें।